हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी बज रहा है सुबह के 5। और जैसा मैंने पिछले ब्लॉग के एंडिंग में बताया था कि हम शिमला जा रहे हैं, तो हम लोग सब उससे रेडी हो रहे हैं। मैं सामान वामान रखने आया हूँ गाड़ी के अंदर और जल्दी से निकल रहे हैं सुबह सुबह, ताकि फटाफट से वहाँ पहुँच जाए और बहुत सारी मस्ती करें। तो अभी मैं बस गाड़ी में बैठ रहा हूँ, उसके बाद जाके तुम्हें सारी डिटेल बताऊँगा क्या क्या होने वाला है इस ब्लॉग के अंदर। भाई, हम लोग निकल चुके हैं और दिल्ली बॉर्डर क्रॉस कर लिया और क्या हमको पहुँचने में लग जाएंगे 10 से 12 घंटे। रही और ये वाला जो ब्लॉग होने वाला है, ये 2 पार्ट्स में होगा। जैसे आज का दिन मतलब ट्रैवल और वहाँ पर जितनी देर हम घूमेंगे, और कल वाला पार्ट वो 1 पार्ट में होगा, और सेमीफाइनल इंडिया का और वापसी आना घर और वहाँ पर उस दिन जो घूमेंगे वो सारा 1 पार्ट में होगा। तो ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा वीडियो को, इसलिए मैं इसलिए 2 पार्ट्स में कर रहा हूँ। तो ध्यान से सपोर्ट 6 घंटे से। और सडनली फ़ोन की क्वालिटी एकदम से अच्छी हो गई होगी, क्योंकि अब मेरे हाथ में आ चुका iPhone 15 मम्मी का। और अभी बज रहे 9 बज गए हैं और 4 घंटे की हमारी ट्रैवलिंग सेशन पूरी हो चुकी है, और 3.5 घंटे अराउंड बची हुई है। तो अभी हम पहुँचे हैं नमस्ते चंडीगढ़ पे, वहाँ पर हम हल्दीराम जा रहे हैं, अच्छा सा ब्रेकफास्ट करेंगे, वो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ अभी क्या खाएंगे। और मैं सो गया था बहुत देर, मेरे को तो मतलब मेरे को पता ही नहीं चला 4 घंटे पूरे कैसे हो गए। मतलब शिमला पहुँचने वाले, शिमला हम बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे, आज भी घूमेंगे अच्छा खासा। तो मैं दिखाऊँगा लाइट के अपोजिट आ चुका हूँ मैं, तो बंदे चल के मिलता हूँ। पापा ने ऑर्डर किया पनीर पराठा, और ये हमारी हीरोइन खा रही है ये छोले भटूरे। अब टेस्ट भी देंगे पापा, भाई पापा लो टेस्ट भी दो। करो जल्दी करो यार, स्टोरेज कम है। ये लस्सी भी है, लस्सी मैं दूंगा, जल्दी करो, काटा पेटी करनी पड़ेगी। दही में लपेट के और ये गया सीधा मुंह के अंदर। वाह भाई वाह, कैसा है? सही है, पक्का बताओ। पनीर वाला है ना ये पराठा? अच्छा है। तुम्हारा भाई खा रहा है, ये देखो क्या खा रहा है। तुम्हारा भाई खा रहा है पाव पाव भाजी, ठीक है। तो मैं सबका खाना थोड़ा थोड़ा खाऊंगा। क्या मस्त धूप आ रही है, ये मम्मी का फ़ोन मैं सोच रहा हूँ लूट लूँ। क्या कहती है परी, लूट लूँ? मना कर रही है। उसका बैकग्राउंड बड़ा सुंदर है और बहुत अच्छा बना रखा है हल्दीराम ने। मॉडिफाइड हल्दीराम लग रहा है, अपग्रेडेड वर्जन लग रहा है हल्दीराम। वो टिक्का कर रात का अभी तक लगा हुआ है, हाँ कर नहीं आया मैं। मम्मी आ जाओ इधर, आ जाओ, ये देखो मम्मी आ गई है। मम्मी देखो क्या मस्त धूप आ रही है ना। क्या खा रही हो दिखा दो, हल्का सा नीचे कर दो ऐसे करके, ऐसे और करो और करो। अरे मेरे कपड़े में देखो बहुत अच्छे हैं। ये मम्मी खा रही दोसा सांभर, ऊपर कर दो वापस। अब हम खा के बता रहे हैं, मैं पाव भाजी खा रहा हूँ। पाव भाजी तो बहुत अच्छी है, मेरे को तो अच्छी लगती है। खाना खा दो शांति से, तंग करते रहते हो भाई। मेरी मम्मी पता है छींक मारने का मेरी वेट करती है कि लड़का मेरा छींक मारे और मैं लेके खड़ी हो जाऊँ टिशू पेपर। उनको टिशू पेपर उठाने का मौका चाहिए कहीं से भी, और बात पे टिशू पेपर लेके खड़ी हो जाती है कि यार ले टिशू पेपर फट। अभी हमने खाना खा लिया है, हम वापस गाड़ी में जा रहे हैं। एक बार वॉशरूम वॉशरूम हो आता हूँ, यहाँ तो झूले झाले भी हैं, लेटर पड़े हैं यहाँ तो लोग। वाओ, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक। ये देखो गोवा वाला पेड़। चलो ओके, वहीं चल के अब शिमला चल के मिलूंगा सीधा, ठीक है। राम राम।
होटल एंटर कर लिया है। होटल का नाम है विलो बैंक्स और ये मॉल रोड के ऊपर ही है। तो हमने ये होटल इसलिए चूज़ किया ताकि ज़्यादा दूर गाड़ी ना लेके जाना पड़े, बार बार बाई फुट ट्रैवल कर लेंगे। मैं तुम्हें अपना रूम दिखा रहा हूँ फटाफट। ये हमारा रूम है, ये मैं हूँ बहुत स्मार्ट सा, और ये बेड है, ये परी घर में सामान रखती है। यहाँ वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल देखेंगे। ये बालकनी है खुला सिमसिम। यहाँ कुर्सियाँ हैं, ये झूले में मैं झूलूँगा, फ़ोटो देखना मेरी इंस्टाग्राम पे। और यहाँ से शिमला दिख रहा पूरा। तो यस, ये हमारा होटल। और बाथरूम दिखाता हूँ तुम्हें, बाथरूम बड़ा सुंदर सा लग रहा है मेरे को ऐसे। रुको देखो भाई साहब, बाहर आना बाथरूम से। ये देखो बाथरूम, ये क्या बाथरूम है, क्या फोटो आएगी यहाँ, तो बहुत अच्छी फोटो आएगी। ये देखो बाथटब, सबसे बढ़िया बात तो यही है बाथटब। यहाँ लेट के नहाएंगे भाई साहब, मजा आ जाएगा, जीवन जीवन हो जाएगा हमारा खुश। और अब हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और इसके बाद आगे चल के तो मैं घुमाऊंगा पूरा मॉल रोड। देखो आईफोन 15 है मेरे हाथ में, सिस्टम है। ओके गाइस, मिलता हूँ आगे चल के। उनको मैंने अपना कमरा दिखा दिया, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मम्मी का कमरा। अब वरी को आगे भागना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो वरी कैमरे में आ जाएगी। देखो मैं दिखा रहा हूँ, ये होटल भी दिखाओ तुम्हें। ये देखो होटल, यहाँ पर एकदम जैसे खाने पीने का सिस्टम है। और ये हम आ गए फोर्थ फ्लोर पर, मेरा फर्स्ट फ्लोर था वो, मम्मी का फोर्थ रूम है 410। तो मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ यार, आपका कमरा तो ज़्यादा सुंदर लग रहा है मेरे को। लकड़ व्यू है ऊपर से, क्या व्यू है मैं। कैसा लगा पापा, कैसा लगा कमरा आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मम्मी आपको कैसा लगा यार, तो धूप इतनी जेन्युइन धूप आ रही है, वेरी नाइस प्लेस टू स्टे, सो ब्यूटीफुल, वाह, जस्ट लाइक अ वाह। हमारा कमरा पर बड़ा है आपके कमरे से, बाथरूम देखते हैं आपके कमरे का कैसा है। ये देखो वो आइन के में भी बाथटब है, ये उनका बाथटब भी ठीक है, हमारा ज्यादा अच्छा है, हमारा सब कुछ ज्यादा अच्छा है। चलो भाई अब हम जा रहे हैं, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे फिर मिलते हैं तुमको थोड़ी देर में। ओके बाय। तो भाई हम लोग होटल से निकल चुके हैं और मैं नहा चुका हूँ, लग रहा हूँ ना नहाया हुआ, मैं सुबह नहीं नहाया था ना। तो अब हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, अभी ऐसे सड़क पे हांड रहे हैं तो मैं दिखाता हूँ। बहुत प्यारे प्यारे से डॉगीज हैं यहाँ पर, जिनसे परी को बहुत डर लगता है, पर कोई बात नहीं संभाल लेंगे। अभी मैं तुम्हें दिखाऊँगा हम क्या खाने वाले हैं। और आज वैसे गोवर्धन पूजा है तो सब वेज ही खाना है, तो मेरी तरफ से सबको हैप्पी गोवर्धन पूजा। और कल ट्यूसडे है, वेज 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 ट्रिप है हमारी, ठीक है। तो जो भी मेरे वेज वो हैं सब्सक्राइबर्स, तुमको बहुत मज़ा आने वाला, तुम्हारे लिए पार्टी हो गई। कैसा रेस्टोरेंट, कैफे है क्या, कैफे टाइप है, मतलब कैफे टाइप ही लग रहा है। अच्छा है इसका, मतलब अंदर से तो बड़ा सुंदर बना हुआ है और दिवाली डेकोरेशन भी है बहुत सही सी। और हम ऑर्डर कर रहे हैं, बताता हूँ तुम्हें क्या ऑर्डर कर रहा हूँ, बहुत टेस्टी डिश में हमने मंगाया है गलौटी कबाब, बट वो चिकन नहीं है वो मशरूम है, क्योंकि आज गोवर्धन पूजा है। कितनी बार बताऊँ, तो मैं टेस्ट करके बता रहा हूँ कैसा है। अच्छा है, मतलब पता नहीं चल रहा, नहीं पता तो चल रहा है खैर कि चिकन नहीं है, बट अच्छा है, मेरे को अच्छा लगा। डेफ्ट से खाना पड़ रहा है तुम्हारी वैसे है। अब मैं अगली डिश में मिलता हूँ। तो अगली डिश में हमारे पास है पनीर टिक्का, लो मैं उठा लो आप, पिज़्ज़ा भी आ गया, वाओ दिखा रहा हूँ सब कुछ मैं, तब तक पनीर टिक्का टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। Good.
अभी हमने खाना खा लिया। हमने क्या क्या खाया? एक हमने खाया पिज़्ज़ा, बहुत टेस्टी था पिज़्ज़ा, तो मम्मी को बहुत ही अच्छा लगा, पापा को भी। और दूसरा हमने खाया पनीर टिक्का, जो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तीसरा क्या खाया था? गलौटी कबाब मशरूम वाला, वो तो तुमने देख लिया खाते हुए, वो भी अच्छा था। सबसे अच्छा पर मेरे को लगा पनीर टिक्का, पता नहीं क्यों, बट बहुत अच्छा था खाना। आउट ऑफ 5 था ये, 4। अभी बिल आएगा, वो भी बताऊंगा तुम्हें कितने का है, ताकि तुम लोग जब अपनी ट्रिप प्लान करो तो हिसाब से प्लान करना, ठीक है? और हम चल रहे सीधी खड़ी चढ़ाई पर। हम जा रहे कहाँ जा रहे? पहले चर्च दिख रही है अभी तो मेरे को, कोई चर्च है और सेंटर कुछ है, सेंटर है ना कुछ है पापा? बता सेंटर, वो जहाँ पर वो सारा कुछ है, सारा कुछ जो टाउन हॉल कहते हैं वो वहीं पे ही है ना? वहीं पे है ना? हाँ तो वहीं जा रहे हैं भाई। मैं बता, बहुत छोटा था जब मैं आया था, अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, तो देखते हैं। यहाँ पे सब्सक्राइबर जितने घूम रहे हैं ना, वो सारे मैतानी ब्लॉग्स के। मम्मी ये बेचारी जनता घूम रही है, ये सारी मेरी सब्सक्राइबर है ना? हैं? बिल्कुल हम तो हैं, हम तो हैं। ओ, आप तो, आपको तो काम है, आपके सबके फोन से तो मैं ही सब्सक्राइब करके बैठा हूँ। जब मेरे 4 सब्सक्राइबर थे ना, तब मेरे 2 सब्सक्राइबर मैं खुद था और एक मम्मी और एक पापा। ये परी की बच्ची ने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा था। कुछ भी क्या? शुद्ध जल मिल रहा है, लो पी लो। चलो भाई अब तुम्हें दिखा रहा हूँ, दिखाना पड़ेगा ये तो। ये देखो राजीव चौक, राजीव चौक देख लो। वाओ बहुत सुंदर लग रहा है भाई, मजा आ गया। मूर्तियां बनी हुई हैं हमारे फ्रीडम फाइटर्स की, और जो फेमस पर्सनालिटीज है जैसे डॉक्टर, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी, और वो सब। यहाँ एक्टिविटीज़ हो रही है जैसे ब्लॉक का राइडिंग वगैरह वगैरह। और अब मैं दिखाने वाला हूँ तुमको सीनिक ब्यूटी, दैट इज़ वैली व्यू। सबसे तगड़ा व्यू दिखाने वाला शिमला का, तुमने इससे तगड़ा देखा ही नहीं होगा, मैं बता सकता हूँ तुमने देखा ही नहीं होगा क्योंकि है ही नहीं। दिखा रहा हूँ, ये देखो 3, 2, 1। कुछ हमने फोटोज वोटोज खींच लिया अभी, अब हम ढूंढ रहे हैं पेस्ट्री की दुकान, क्योंकि मैंने सुना है शिमला में पेस्ट्री बहुत फेमस है। और अभी मैंने फोटो खिंचाई मम्मी और परी के साथ, बड़ी सुंदर सुंदर फोटो हैं। मेरी अच्छी नहीं खींची, बाकी परी और मम्मी की बड़ी अच्छी थी। शोर मचा रही है जनता यहाँ पे, आम जनता भी ना समझती नहीं, मैं तो नहीं ब्लॉग्स बन रहे हैं। अब हम जा रहे हैं, यहाँ तो डोमिनोज भी है, ये सारा टूट फूट हो रखा है, यहाँ पे कुछ काम धंधा चल रहा है। अब हम जा रहे हैं पेस्ट्री खाने, मैं तुम्हें पेस्ट्री दिखाता हूँ, मज़ा आ जाएगा। टाउन हॉल पेस्ट्री वाली दुकान तो हम ढूंढ रहे हैं, अभी हमको मिल नहीं रही, जो हम कृष्णा बेकरी ढूंढ रहे हैं, बट अभी हमको रास्ते में दिख गया है टाउन हॉल। ये रहा हमारा टाउन हॉल, जो बहुत सुंदर सजाया हुआ है दिवाली की वजह से। और पहले जब मैं आया था तो इसके अंदर कुछ एंट्री वेंट्री नहीं होती थी, और अब इसके अंदर पिज़्ज़ा हट, KFC, कोस्ता, वांगो, हिमाचली धाम, ये सब कुछ खुल चुका है। बाकी आज मेरे को लग रहा था खाली है, बट मार्केट अच्छी खासी भरी हुई और अच्छी डेकोरेशन हर जगह हुई दिवाली की वजह से। और कुछ नहीं, अंदर जाके तो मैं टाउन हॉल दिखाने वाला हूँ। चलो ले बैड न्यूज, क्योंकि आज कृष्णा बेकरी है बंद, तो आज हम जा रहे हैं कोई और बेकरी, वहाँ से हम खाएंगे। और कृष्णा बेकरी हम जाएंगे कल, पता नहीं क्यों बंद है, शायद गोवर्धन पूजा या कुछ, आई डोंट नो व्हाई, बट इट इज़ क्लोज टुडे, सो वी आर गोइंग टू केक मास्टर्स, आई विल शो यू व्हाट वी गोना ईट। ओके सी या। वही केक मास्टर्स पर बहुत सुंदर सुंदर खाना है, मैं तुम्हें फोटो दिखाता हूँ। मैं खा रहा हूँ चिली पनीर रोल और 2 पैटी और एक बटर स्कॉच नहीं, एक ब्लूबेरी पेस्ट्री, एक एप्पल पाई, एक डोनट, और ये क्या है, एक पुडिंग और पाइनएप्पल। पेट भर गया मेरा बोल के। अब तो मैं दिखाता हूँ,
तो अभी हम लोगों ने खा लिया पेस्ट्री वेस्ट्री जो तुमने देख ली। अब हम जा रहे हैं वापस होटल की तरफ क्योंकि हम गए थक। हाँ, अब मम्मी शॉल शूल लेट में जा रही है यार, वो सब तुम क्या करोगे देख के? तुम मेरे को देखो ना, अभी हम जा रहे हैं वापस होटल। नहीं जा रहे हम, नहीं, हाँ मतलब होटल ही जा रहे हैं, शॉल वॉल नहीं देख रही। और बस अब होटल से जब निकलेंगे डिनर के टाइम फिर बताऊंगा तुम्हें। अब हम रेस्ट करेंगे, थक गए यार, एक्शन में था नहीं, बहुत बहुत घूम ले, चलना पड़ता है यहाँ पे, उम्र हो गई है हमारी। जो गाइस अभी बज रहे हैं 8 बज गए ऑलमोस्ट और हम निकल चुके हैं वापस होटल से बाहर। होटल से बाहर क्या निकलेंगे, होटल के जस्ट बाहर हमारे पास है कैफे सिमिलर टाइम्स करके, तो हमारे होटल का ही है वो। दो हमारे होटल के पास कैफेज हैं, एक कुछ ब्रूरी है और एक ये है, तो इधर हम आ गए हैं डिनर करने के लिए। और मैं बहुत नींद में खाना थोड़ी देर सो गया था, फिर विराट कोहली का इंटरव्यू देख रहा था और अब मैं जा रहा हूँ डिनर पे। अब तो मैं दिखाता हूँ, जगह देखो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। अभी हमने खाना खा लिया है, बट हमको खाना तो ठीक था, सर्विस अच्छी नहीं थी। क्या नाम है, स्काई बार करके है जो भी, स्काई बार नहीं, क्या नाम है, कुछ और नाम है, कैफे शिमला टाइम्स करके है। तो यहाँ का खाना मैं रेट करूंगा आउट ऑफ 5 करेंगे हम, 3.5 खाना रेट करेंगे। खाना बुरा नहीं था, बस सर्विस की वजह से थोड़ा मूड खराब हो गया और ठंड बहुत ज्यादा है तो सीटिंग वीटिंग अच्छी नहीं थी। अगर तुम इस टाइम पे अगर मतलब सर्विस अच्छी नहीं प्रोवाइड करोगे ना तो कस्टमर गुस्सा हो जाता है। बाकी मैं कमरे में जा रहा हूँ, बताता हूँ तुम्हें कल का क्या सीन है और फिर ब्लॉग को एंड करता हूँ। पहुंच चुका हूँ अपने होटल के रूम में और तुम्हें तुम्हें क्या बता रहा था कि आज हमने ज्यादा कुछ किया नहीं, हम लोग बस घूम रहे थे रैंडमली। और कल हमारा ट्यूसडे का जाकू मंदिर जाने का प्रोग्राम है, चर्च भी जाने का प्रोग्राम है, टाउन हॉल हमने आज तुमको दिखा दिया, ज्यादा कुछ है नहीं टाउन हॉल के अंदर, अब फूड कोर्ट बन चुका है, ये देखो लाइट ये। और अभी हम लोग कल भी जो खाएंगे पियेंगे, सुबह ब्रेकफास्ट भी हम इधर होटल में नहीं कर रहे, हमने बाहर करना है, तो वो सारी जगह तुमको दिखाऊंगा। आज वाला मैंने तुमको खाने में सही से अभी रात वाला नहीं दिखाया क्योंकि मैं खुद बहुत थक चुका था और खाना इतना कुछ बहुत खास नहीं खाया, कल लपेटेंगे तो सही से दिखाएंगे। और अभी तो मैं एक बहुत जेन्युइन नजारा दिखाने वाला हूँ, फिर उसके बाद बाय कर दूंगा, बट अभी नजारा देखो पहले, बिना देखे मत जाना। हमारी बालकनी, ये झूला है, यहाँ से दिख रहा शिमला शहर, भाई साहब कोई गाने को नहीं बज रहे, ये अंदर क्लब है। और देखो चर्च दिख रही होगी तुम्हें, हम कल वहाँ जाएंगे अंदर दिखाएंगे तुमको सारा कुछ। बाकी वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पार्ट वन मेरी शिमला ट्रिप का खत्म हो चुका है, शायद 3 पार्ट्स बनाने पड़ जाएं इसके, देखते हैं अभी क्या होता है, बट आज का वाला पार्ट फिनिश हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक करे बिना मत जाना, लाइक करे बिना गए तो पटाई कर दूंगा, देख लो मैं टारगेट वारगेट रखने वाला हूँ नहीं, बट लाइक कर देना, बिना लाइक करे मत जाना, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।